नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सबसे आसान तरीके से एक गोला की मदद से बहुत ही सुंदर सा दीपावली पर चित्र बनाना सिखाएंगे। यहाँ पे एक कटोरी ले लीजिएगा, इसकी मदद से हम एक सर्कल शेप यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल और एक कटोरा उठा लीजिएगा, या कटोरा नहीं है तो आप गोला प्रकार ले लीजिए, जिसकी मदद से यहाँ पर आप आसानी से एक सर्कल बना सकें। सर्कल बनाने के बाद दोस्तों आपको लेना है स्केल। स्केल की मदद से बीच में ही आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी के जस्ट नीचे ही दोस्तों एक लाइन आप और ऐसे ड्रॉ करते जाइएगा। यहाँ पर भी हम ऐसे लाइन आसानी से ड्रॉ करते जाएंगे। बहुत ही आसान होने वाला है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो आपको दीपावली पर सबसे आसान और सुंदर सा चित्र बनाना आप आसानी से सीख जाएंगे। इस तरह आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, एक इधर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब हमें इसके बीच में ऐसे लाइनें ड्रॉ कर देना है। इधर से भी आप आसानी से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये बन जाएगा एक वाल का चित्र। वाल बन गया। अब दोस्तों आपको यहीं से इधर से ही ऐसे एक आर्क लगाना है। इसी तरह सेम प्रोसेस आप इधर भी रिपीट करेंगे। यहाँ पर ऐसे घुमा दीजिए। घुमाने के बाद इसको आप ऐसे अंदर के साइड में घुमाएंगे। इधर से भी हम अंदर के साइड में घुमाएंगे दोस्तों। और यहाँ तक हो जाने के बाद आपसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है। अगर आपको पता है भगवान राम जी ने कितने वर्ष का वनवास किया था तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से इसको इधर से डबल करेंगे और इधर से ऐसे डबल करिए। अब हमें यहाँ से देखिएगा, इसको यहाँ से ले जाकर इधर मिलाना होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हल्का सा बाहर करते हैं और यहाँ पर लाकर ऐसे मिला देते हैं। इसी तरह हम इधर भी ऐसे करेंगे, हल्का सा बाहर करिएगा और इधर से लाते हुए यहाँ पर मिलाएंगे। इस साइड से ऐसे करेंगे, इधर भी आप ऐसे आसानी से कर दीजिएगा। अब दोस्तों बीच में हमें इस मोर का पंख बना देना है। एक इधर बनाइए, एक हम यहाँ पर बनाएंगे, एक इधर ऐसे बना दीजिए। अब इस साइड भी अगर स्पेस है तो यहाँ पर भी आप ऐसे बनाते जाइएगा। ये देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर सा चित्र बन रहा है। और इधर आपको ऐसे एक लिटाकर सी लेटर लिखना है। इधर से भी ऐसे करना होगा। इसको हम इधर ऐसे ऊपर के साइड में टच करेंगे। अंदर से दोस्तों यहाँ पर ऐसे करिएगा डबल और इधर आप दिवाली के दिए को जला दीजिए। देखिए दीपावली पर दिया भी बन गया है। तो यहाँ पर दिया बनाइए। दिया बनाने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक वी लेटर लिखना है। एक वी लेटर आप इधर लिखेंगे, छोटा सा यहाँ पर डॉट लगाकर सुंदर सा मोर का आप आँख बना देंगे। इधर से लाइन ड्रॉ करिए, छोटा छोटा सर्कल करिए। इधर से भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मोर का पंख का बीच वाला सिरा बना देना होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे बना दीजिए। जस्ट इसी के ऊपर ही आप और दिवाली का दिया बना दीजिएगा। एक यहाँ पर ऐसे करिएगा, ये हो गया। इधर हल्का सा अंदर आप ऐसे थ्री नंबर लिख देंगे। देखिएगा अभी कैसे बनेगा। थ्री नंबर लिखा आपने, फिर यहाँ से उल्टा थ्री नंबर अंदर से करेंगे। ये हो गया दोस्तों। बीच से आप दिवाली के दिए को इधर से ऐसे जलाएंगे, छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर भी आप ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जाकर दोस्तों हैप्पी दीपावली आप जरूर विश करिएगा। और एपी ड्राइंग की तरफ से भी आपको दिवाली की बहुत सारी बधाइयाँ। यहाँ पर हैप्पी लिखेंगे, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिवाली लिख देना होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इस सुंदर से चित्र को बहुत ही आसान तरीके से कलर भी करना सीख लेते हैं।